कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव जी आज रामपुर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर और उनके कार्यक्रम क्या क्या रहेगा, आइए जिला अधिकारी जी से बात करते हैं। सर, आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनके आगमन को लेकर किस तरह की तैयारियां की हैं? रामपुर में धारा 144 भी लगी हुई है, तो क्या खास कार्यक्रम दे रहे हैं? देखिए, वो उनका प्रोग्राम है, उन्होंने प्रोग्राम जारी किया है और जहाँ जहाँ उन्होंने अनुमति मांगी है वहाँ हमने दे दी है। जो उनका प्रोग्राम डिटेल आया उसके हिसाब से जो व्यवस्था करानी है, चूँकि जेड प्लस प्रोटेक्टिंग है तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट करा दिए हैं। रात्रि विश्राम का उनका हमसफ़र रिजॉर्ट में था, चूँकि वो प्राइवेट रिजॉर्ट है इसलिए हमने अपने लिखित रूप में उनको सूचित कर दिया है कि उनकी व्यवस्था हमने सिंगनखेड़ा स्थित PWD के VIP गेस्ट हाउस में करा रखा है और हमने अपनी तरफ से सजेशन भी दिया है कि वहाँ ठहरना उनके लिए उचित नहीं होगा। अभी तक तो कोई उनकी तरफ से लिखित जवाब नहीं आया, हालांकि मौखिक रूप से उनसे उन्होंने बताया, उनके द्वारा बताया गया है कि नहीं, वो हमसफ़र रिजॉर्ट में ही रुकना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ तक बात बाकी सारी चीज़ों का है तो जनपद में धारा 144 गणेश चतुर्थी के बहुत पहले से लगी और 2 अक्टूबर तक प्रभावी है पहले से ही। तो जो सामान्य दायरे, कानूनी दायरे जनपद के नागरिकों के लिए, जनपद के बासिंदों के लिए, वही सारे लोगों के ऊपर लागू होते हैं। उन नियम का, उन कानूनी दायरे के अंदर जो भी वो करें, हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। हाँ, बस इतनी हम नज़र रख रहे हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था का उस हिसाब से की गई है कि कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में। सर, कितनी सुरक्षा लगाई गई होगी? सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, इतना मैं कहूँगा। हर जगह जहाँ जहाँ पे भी उनके कार्यक्रम हैं उसके लिए हमने पर्याप्त प्रबंध किए हुए हैं। बस इतना ही है कि हमारी तरफ से बल्कि कैमरे भी लगाए गए हैं पर्याप्त संख्या में नज़र रखने के लिए लोगों पे। तो इतना है कि कोई किसी को भी हम कानून व्यवस्था हाथ में लेने के लिए। सर, जिस तरह से कांग्रेस नेता फैसल लाला ने कहा है कि हम विरोध करेंगे और जो यतीम परिवार है उनको साथ ले जाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अखिलेश जी से, अगर उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन गया है और उनकी और उनको उसको स्वीकृति उनकी तरफ से मिलती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा कि कानूनी दायरे के अंदर सारे लोग रहेंगे, अगर कोई कानूनी दायरा तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे उसी तरीके से निपटेंगे। शुक्रिया। हमारे साथ जिलाधिकारी रामपुर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है। रामपुर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए जिशांत खान।